x lies in second quadrant means this is lying in between pi by 2 to pi. Second quadrant में sin आपका positive होता है, so this is positive. x by 2 जो है वो आपका lie करेगा pi by 4 से pi by 2. pi by 4 से pi by 2 यानी कि this is the first quadrant. तो first quadrant में तीनों के तीनों आपने क्या लेके चलने हैं? पॉजिटिव लेके चलनी है. साइन एक्स बाई टू भी, कॉस एक्स बाई टू भी एंड टेन एक्स बाई टू भी, ऑल वैल्यूज विल बी पॉजिटिव. अब हमने क्या करना है, साइन हमें गिवन है, हमने यहाँ से कॉस की जो वैल्यू है दैट वी विल कैलकुलेट. तो कॉस एक्स इज इक्वल टू रू वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स विद प्लस माइनस साइन. साइन एक्स है मेरे पास 1/4, तो इसका स्क्वायर हो गया, दिस इज प्लस माइनस रूट 1 माइनस 1/16. एलसीएम मिलेंगे 16 माइनस 1, सो दिस इज कॉस एक्स इज इक्वल. अब देखो यहाँ पे क्या है आपका, क्योंकि एक्स जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, तो कॉस एक्स की वैल्यू आप क्या लेके चलोगे? नेगेटिव लेके चलोगे. सो दिस विल बी माइनस रूट 15, क्योंकि किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. 16 इज द स्क्वायर ऑफ 4, तो रूट 16 आपने 4 ले लिया. यहाँ पे आप मेंशन करोगे बिकॉज एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट. एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करने के कारण आपने कॉस एक्स की वैल्यू जो है वो नेगेटिव ली. अब सेम वे में जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में यूज किया था, साइन स्क्वायर हाफ ऑफ द एंगल इज 1 माइनस कॉस डबल ऑफ द एंगल बाय 2. अब एक्स बाय 2 का जो डबल है दैट इज एक्स. यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, 1 माइनस कॉस एक्स की जगह हम पुट करेंगे माइनस रूट 15 बाय 4, और ये वाला 2 एज इट इज. सो दिस इज 4 माइनस इंटू माइनस इज प्लस रूट 15 बाय 4, ये वाला और ये वाला 2. सो दिस इज 4 प्लस रूट 15 बाई 8. अब मुझे जो है लेना है इसका स्क्वायर रूट लेना है, तो स्क्वायर रूट हम ले लेंगे यहाँ पे. कैलकुलेशंस चेक करो, आर दीज कैलकुलेशंस ऑल करेक्ट? कहीं कोई मिस्टेक है तो फाइंड इट आउट. Is it correct? अब यहाँ पे रूट 8 को वी कैन राइट डाउन एज 4 इंटू 2. 4 हम इससे बाहर ले सकते हैं, तो हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा, साइन एक्स बाई 2 इज इक्वल टू रूट में 4 प्लस रूट 15 अपॉन में आ जाएगा ये 2 रूट 2. रैशनलाइज कर लोगे इसको, 4 प्लस रूट 15 अपॉन 2 रूट 2 इंटू रूट 2 बाई रूट 2. 2 बाई रूट 2 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 2 का यहाँ वाला कैंसिल आउट हो जाएगा. तो मैंने सीधा जो रैशनल था हमारा, इरेशनल नंबर था, मैंने उसी से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर लिया. अगेन इसका मैंने साइन भी चेंज नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे भी अगर मैं माइनस माइनस लेती हूँ तो दैट विल गेट कैंसिल. तो ये हमारा बन गया रूट टू, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिनोमिनेटर में 2 रूट 2 इंटू रूट 2 दैट इज 4. सो ये मेरी वैल्यू आ गई साइन एक्स बाई 2 की. अब मुझे वैल्यू निकालनी है कॉस एक्स बाई 2. तो cos square x by 2 is 1 plus cos x by 2. Same steps आप follow करोगे. यहाँ पे plus का sign लग जाएगा, तो ये minus बन जाएगा. 4 minus 4 minus, ये same answer आएगा with minus sign over here. तो बीच के ये जो steps हैं that you will do yourself. तो यहाँ से मैं सिर्फ value put कर रही हूँ. तो cos x by 2 की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि अगेन यहाँ पे आपका x by 2 जो है वो लाई कर रहा है सेकंड क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर. पॉजिटिव वैल्यू लेके चलोगे cos की,
So this will be root 8 minus 2 root 15 by 4. Positive liya hai because x by 2 lies in first quadrant. Ab in dono ko divide kar do. Sin x by 2 upon x cos x by 2. That will give you tan x by 2. And you will get your answer after rationalization. Sin is root 8 plus 2 root 15 by 4. Cos is root 8 minus 2 root 15 by 4. Ye cancel out ho gaya. So we are left with root 8 plus 2 root 15 upon root 8 minus 2 root 15. Ye ek baar dubara dekh lo, fir itna part erase karke isko rationalize karke bataungi main. Cos x हमें given है plus minus root 1 minus sin square x. Sin x की value put की उसका square कर लिया, then LCM लेके simplify किया. अब cos x में positive भी हो सकता है, negative भी हो सकता है, but क्योंकि x आपको given है that lies in the second quadrant, तो second quadrant में cos की negative वाली value लेके चलनी है आपने. फिर sin square x by 2 का formula लगा दिया, 1 minus cos x by 2. cos x की वैल्यू माइनस थी यहाँ पे, तो ये वाला माइनस इनटू माइनस प्लस हो गया आपके पास. सो sin square x by 2 आ गया 4 plus root 15 by 8. जब हमने स्क्वायर रूट लिया दोनों साइड्स पे तो ये चीज आ गई, पॉजिटिव वैल्यू ली बिकॉज़ x by 2 जो है दैट लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. ये यहाँ पे लिख लिया. उसके बाद ये चीज आ गई, 8 का रूट लिया तो दैट इज 2 root 2, उसको रैशनलाइज कर दिया एंड वी गॉट द वैल्यू ऑफ sin x by 2. cos x by 2 के लिए we know the formula, cos square x by 2 is equal to 1 plus cos x by 2. Value root की simplify किया, आपके पास cos x by 2 की value आ गई. अब sin tan x by 2 के लिए sin x by 2 upon cos x by 2 कर दिया हमने. अब root में क्योंकि आ रहा है तो इसको rationalize करके हम answer देंगे. So this is root 8 plus 2 root 15 upon root 8 minus 2 root. तो रूट 8 प्लस 2 रूट 15 से आप इसको डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दोगे. अब ये ऊपर न्यूमेरेटर में आपका बन जाएगा 8 प्लस 2 रूट 15 एंड डिनोमिनेटर में 8 क्योंकि 8 माइनस 2 रूट 15 इनटू 8 प्लस 2 रूट 15. रूट ए इनटू रूट बी इज रूट ए बी. तो दिस इज रूट के नीचे ए इंटू बी, यहाँ पे भी रूट ए इंटू रूट बी, तो रूट के नीचे दोनों का प्रोडक्ट, दोनों क्योंकि सेम टर्म्स थी तो स्क्वायर आ गया. ये स्क्वायर और ये रूट आपका कैंसिल आउट हो गया. वी आर लेफ्ट विद 8 प्लस 2 रूट 15. डिनोमिनेटर में वी आर हैविंग 8 ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी. सो दिस इज 4 इंटू 15 60. 8 plus 2 root 15 upon root 4. So root 4 is 2. 2 ऊपर से common लेके denominator के साथ cut कर दोगे. यहाँ ये ध्यान देना है common लेके cut करोगे, sometimes बच्चे एक तरफ एक term को cut कर देते हैं दूसरे को नहीं करते, तो वहां पे आपकी mistake हो जाएगी. तो you are to take care of this कि आपने common लेके जो है उसको cut करना. So tan की वैल्यू आ गई हमारे पास 4 प्लस रूट 15. सो दिस इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10. विद दिस जो हमारे बुक के क्वेश्चंस हैं वो ओवर हैं, बट वी हैव टू डू द एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आल्सो. तो अब मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको करवा रही हूँ, स्टेटमेंट के साथ नोट डाउन करते जाना. पहले ये कुछ वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं दैट वी विल डिस्कस. क्योंकि इसमें आपके बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बनते हैं. आई विल सेंड यू द असाइनमेंट आल्सो ऑफ दिस चैप्टर. हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, इफ साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2. इफ साइन थीटा प्लस कॉसेक theta is equal to 2. ये मुझे given है. I have to find the value of sin square theta plus cos square theta. Simple सा है, आप भी बता सकते हैं.
इस तरह का क्वेश्चन हमने किया हुआ है टेंथ में भी, मुझे साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा की वैल्यू गिवन है और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, उनके स्क्वायर्स के सम की वैल्यू निकालनी है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. तो वी विल बी हैविंग साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू टू स्क्वायर. यहाँ पे आप ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लोगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा. अब साइन थीटा और कॉसेक थीटा आपको पता है कि दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस टू इंटू साइन थीटा इंटू कॉसेक की जगह आई विल राइट डाउन वन अपॉन साइन थीटा, ये कैंसिल आउट हो गया. मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, आई विल कीप दिस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड कॉन्स्टेंट जो टू है दैट आई विल टेक टू द राइट हैंड साइड. तो इनके स्क्वायर्स के सम की वैल्यू भी वी हैव गॉट एज टू. ये एमसीक्यू की फॉर्म में भी आपका क्वेश्चन आ सकते हैं, ध्यान रखना इसका. अब नेक्स्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन है दैट इज पीरियड ऑफ द कोसेकेंट फंक्शन. पीरियड मीन्स वो कौन से इंटरवल में आप मतलब लेके चलते हो. तो आपको जो है मैंने शायद बताया था इनके नहीं, आई हैव डिस्कस्ड दैट कि हमारा जो सिर्फ टैन वाला है टैन और कॉट की टर्म्स में जो हमारा पीरियड है दैट रिपीट्स आफ्टर एन इंटरवल ऑफ पाई, बाकी जो है हमारे उसमें जो है टू पाई के बाद उनकी वैल्यूज रिपीट होनी शुरू होती हैं. तो इनका जो पीरियड है कॉसेक का वन मार्क क्वेश्चन है, साइन थीटा का, कॉस थीटा का और सीकेंट थीटा का दैट इज टू पाई. ये इन दोनों के लिए आपने पाई लेके चलना है कि पाई के बाद इनकी वैल्यूज जो है वो रिपीट होनी शुरू होती है. साइन कॉसेक कॉस और सीकेंट में इट इज टू पाई. नेक्स्ट जो है आपका इस तरह के क्वेश्चंस आप खुद कर लेंगे जिसमें आपको किसी भी टी रेशियो की कोई भी रिलेटेड वैल्यू सपोज आपको निकालनी है, तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू कैन डू. उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा हमें गिवन है कि रेंज ऑफ सीकेंट फंक्शन इज आर माइनस माइनस वन कॉमा वन. मैंने डोमेन और रेंज आई होप आपको लिखवा दिए हैं. तो आर माइनस माइनस वन कॉमा वन इज इट द रेंज ऑफ द सीकेंट फंक्शन, एनी वन ऑफ यू कैन टेल. रेंज ऑफ द सीकेंट फंक्शन इज आर माइनस माइनस वन कॉमा वन. इज इट ट्रू और फॉल्स? सीकेंट की रेंज क्या होती है बेटे? सेकेंड की जो आपकी रेंज है दैट इज माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, वही हो गया कि ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट हम इसमें जो हमारी उसकी रेंज है कॉस की रेंज होती है उसको हम इसमें से माइनस कर देते हैं. तो दिस इज अगेन माइनस वन टू वन, या फिर हम ऐसे भी ले सकते हैं माइनस इंफिनिटी टू माइनस वन और यूनियन में वन टू इंफिनिटी. दीज आर इंक्लूडेड, माइनस वन और वन जो है वो आपके इंक्लूडेड हैं. तो स्क्वायर ब्रैकेट्स हम लेके चलेंगे. तो ये यहाँ पे क्या कह रहे हैं, आर माइनस ओपन ब्रैकेट्स लेके चल रहे हैं. तो ये ओपन ब्रैकेट्स का मतलब क्या है कि जो माइनस वन और प्लस वन है वो आपके वो इंक्लूडेड नहीं है, ये इंक्लूडेड नहीं है, बट यहाँ जो है ये आपके इंक्लूडेड है. सो यहाँ आपकी स्क्वायर ब्रैकेट आती है. सो दिस जो है आपका दिस इज फॉल्स, क्योंकि माइनस वन एंड वन जो है दे आर ऑल्सो Not they are included in the range. और यहाँ उसने क्या कहा, नहीं यहाँ ओपन ब्रैकेट का मतलब है कि माइनस वन और वन आप नहीं लेके चल रहे, तो दैट इज ओके, दिस वन इज ट्रू, क्योंकि रेंज के अंदर ये इंक्लूडेड है. तो जब हम ओपन इंटरवल माइनस करेंगे तो इट मीन्स माइनस वन और प्लस वन इसमें इंक्लूडेड है, तो दिस इज ट्रू, इसको आप ट्रू लेके चलोगे. अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन हम ले रहे हैं, वन माइनस टैन स्क्वायर 15 अपॉन वन प्लस टैन स्क्वायर 15. ये आपका क्वेश्चन दो तरीके से हो सकता है. एक तो आपका डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लो गया,
अगर इन केस फॉर्मूला याद नहीं आता, दिस इज द फॉर्मूला फॉर कॉस टू एक्स का हमारा फॉर्मूला होता है वन माइनस टैन स्क्वायर एक्स अपॉन वन प्लस टैन स्क्वायर एक्स. तो कॉस ट्वाइस ऑफ एक्स को मुझे 15 लेके चलना है, दैट इज वन माइनस टैन स्क्वायर 15 अपॉन वन प्लस टैन स्क्वायर 15. इसकी वैल्यू निकालनी है, ये कॉस 30 डिग्री आ जाएगा. कॉस 30 डिग्री की वैल्यू मुझे पता है, दैट इज रूट 3/2. तो 1 माइनस टैन स्क्वायर 15 अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर 15 जो है उसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी रूट 3/2. इन केस अगर आपको ये फॉर्मूला लर्न नहीं होता कि किस हिसाब से हमने करना है, तो व्हाट यू विल डू, आपने क्या करना है, टैन 15 को रीराइट कर लोगे टैन 45 माइनस 30. अब टैन 45 माइनस 30 का फॉर्मूला लगा लोगे, दैट इज 1 माइनस टैन 30 अपॉन 1 प्लस टैन 30. देन वैल्यूज पुट कर दोगे और इसको सिंप्लीफाई करोगे. फिर फर्दर सॉल्व करोगे रैशनलाइज करके. एंड देन जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट द वैल्यू रूट 3/2. चाहे आप ये फॉर्म यूज करो चाहे आप ये फॉर्म यूज करो, आपका कोई ना कोई फॉर्मूला यूज हो रहा है. तो इट मीन्स आपको इसके जितने भी फॉर्मूले हैं, अगर आपकी चैप्टर थॉरली करना चाहते हो विदाउट एनी मिस्टेक या आपके मार्क्स इसमें लूज ना हो, क्योंकि इस चैप्टर की वेटेज भी ज्यादा है, तो इसको आपको जो है अच्छे से फॉर्मूले अपने लर्न करने पड़ेंगे. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे गिवन है tan a की वैल्यू हाफ गिवन है, tan b की वैल्यू 1/3 गिवन है और tan 2a plus b की वैल्यू मुझे निकालना है. tan a हाफ गिवन है, tan b 1/3 and I have to find out the value of tan 2a plus b. tan 2a plus b का हम फॉर्मूला लगा लेंगे tan of a plus b वाला. tan of a plus b is equal to tan a plus tan b, क्योंकि यहाँ a की जगह 2a है तो 2a आएगा यहाँ पे, upon 1 minus tan of the angle into tan of the other angle. ये फॉर्मूला हम लगा रहे हैं tan of a plus b tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b. अब यहां देखो tan 2a नहीं है मेरे पास, tan b की वैल्यू है मेरे पास और साथ में वैल्यू मुझे गिवन है tan a की, और tan 2a का मुझे इन टर्म्स ऑफ a फॉर्मूला पता है. तो tan 2a का अगेन हम फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर देंगे. So this will be equal to tan 2a जो है that is equal to 2 tan a upon 1 minus tan square a. तो ये वाली values के हम यहाँ पे, so this is 2 tan a upon 1 minus tan square a plus tan b as it is. Denominator में भी same आप tan 2a का formula put कर दोगे 2 tan a upon 1 minus tan square a into tan b. अब हमारे पास tan a की भी वैल्यू है tan b की भी वैल्यू है, वैल्यूज पुट करोगे एंड यू विल सिंप्लीफाई. आगे की सिंप्लीफिकेशन यू विल डू योरसेल्फ. नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 13π/12. यहाँ पे tan a की और tan b की वैल्यूज जहां जहां आ रही है टर्म्स पुट करके यू विल सिंप्लीफाई. आंसर जो ओवरऑल आएगा आपका दैट विल बी 3. आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट द आंसर एज 3. नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 13π/12. अब देखो 13π/12 आपको मैंने क्या कहा था, जब रेडियंस की फॉर्म में आते हैं पाई को छोड़ के जो नंबर्स होते हैं उनको डिवाइड कर दो. अब यहाँ पे रिमाइंडर 1 आ रहा है विच इज जिसका इससे काफी ज्यादा डिफरेंस है, यानी कि रिमाइंडर 1 से मुझे जो भी मेरा एंगल कन्वर्ट होगा दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट. तो उसके अकॉर्डिंगली हमने इसको कन्वर्ट कर लिया. सो tan 13π/12 आ जाएगा मेरा tan ऑफ पाई, यहाँ पे क्योंकि 1 है प्लस रिमाइंडर भी 1 है तो 1 पाई बाई 12.
दिस इज पाई प्लस पाई बाई स्क्वायर. अब ये क्या आ जाएगा, टेन पाई प्लस थीटा. टेन पाई प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट. थर्ड क्वाड्रेंट में टेन इज पॉजिटिव और 180 है तो देयर इज नो चेंज इन द टी रेशियो. तो दिस इज टेन पाई बाई 12. अब देखो पाई बाई 12 क्या है, दैट इज इक्वल टू 15 डिग्री. तो टेन 15 डिग्री की हम वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चन में, तो दैट यू विल राइट ऑन. अदरवाइज आप यहाँ से इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो. दिस इज दिस कैन बी रिटन एज टेन 15 डिग्री, तो वही 45 माइनस 30 करके व्हेन यू विल सिंप्लीफाई दैट तो यू विल गेट योर आंसर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दिस क्वेश्चन यू आर टू एक्सप्रेस टू साइन 5 थीटा एंड साइन 3 थीटा एज सम और डिफरेंस. इसे हमें एज अ सम और डिफरेंस जब रिप्रेजेंट करना है तो ये हमारा फॉर्मूला बन रहा है टू साइन थीटा, टू साइन ए साइन बी का. तो टू साइन ए साइन बी का जब हमारे पास ये फॉर्मूला बन रहा है तो दैट इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी. ये आपका फॉर्मूला है टू साइन ए साइन बी दैट इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी. वैसे अगर आप देखो तो यहाँ पे नेगेटिव साइन भी आप ले सकते हो, आपका आ सकता है. तो अकॉर्डिंगली आपका फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा, कॉस ऑफ ए प्लस बी माइनस कॉस ऑफ ए माइनस बी अगर यहाँ माइनस का साइन, बट अगर यहाँ पे प्लस का साइन है तो दिस इज कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी. कॉस ऑफ ए माइनस बी का आपको फॉर्मूला पता है, दैट इज कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी. और इसका भी आपको फॉर्मूला पता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी. जब आप ये वाले साइंस चेंज करोगे, ब्रैकेट ओपन करोगे, तो ये आपका नेगेटिव हो जाएगा, ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा. कॉस ए कॉस बी माइनस और प्लस वाले कैंसिल आउट होके व्हाट यू आर हैविंग टू साइन ए साइन बी. तो टू साइन ए साइन बी का आपका ये फॉर्मूला आप यहाँ पे यूज करोगे. सो दिस इज कॉस ऑफ 5 थीटा माइनस 3 थीटा माइनस कॉस ऑफ 5 थीटा प्लस 3 थीटा. सो दिस इज कॉस 2 थीटा माइनस कॉस 8 थीटा. सो दिस इज योर आंसर. ये क्वेश्चन क्या था आपका, एक्सप्रेस 2 साइन ए साइन बी एज अ सम और डिफरेंस. तो हमने इसको एज डिफरेंस जो है वो एक्सप्रेस कर दिया. सो दिस इज योर आंसर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमें प्रूव करना है, ये बुक का ही है, इसको छोड़ दो. अब ये वाले क्वेश्चन जो है अब इस तरह के इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से देखो. tan ऑफ a प्लस बी की वैल्यू गिवन है मुझे और tan ऑफ a माइनस बी की वैल्यू गिवन है. tan 2b की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है. और ये प्रूफ दैट की फॉर्म में भी आ सकता है आपका, दोनों में से किसी भी तरीके से आ सकते हैं. tan a प्लस बी मुझे गिवन है m. और tan of a minus b given है n. ये दोनों मुझे given है और मुझे शो करना है, शो दैट या प्रूव दैट tan 2b दिस इज इक्वल टू m माइनस n अपॉन 1 प्लस m. अब फॉर्मूले अगर आपको लर्न है तो आपको ये यहाँ से पता लग जाएगा कि tan of a plus b वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज, a minus b वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं. tan of a minus b that is tan of a minus tan of b upon 1 plus tan a tan b. तो हमने क्या करना है, जिसकी वैल्यू निकालनी है यानी कि tan 2b की, इसको हम रीराइट कर लेंगे. सो tan 2b will be rewritten as, rewrite आप कैसे करोगे, a plus b लिख लोगे एक बार, क्योंकि मुझे a plus b और a minus b की फॉर्म में जो है वैल्यूज गिवन है. तो इसको 2b को मैंने पहले b plus b लिख लिया, फिर उसमें जो है मैंने a जो है वो प्लस किया और
माइनस किया, यानी कि मैं ऐसे कर रही हूँ, टेन टू बी को मैंने पहले टेन ऑफ बी प्लस बी लिख लिया। अब इसमें एक बार ए को ऐड कर देंगे और एक बार ए को माइनस कर देंगे, तो अगर ये मैं कैंसिल आउट कर देती हूँ प्लस ए माइनस ए, तो अगेन हमारे पास क्या रह जाएगा, दिस बी प्लस बी। तो ये चीज अगेन रीराइट करेंगे हम, टेन ऑफ ए प्लस बी, क्योंकि मुझे ए माइनस बी चाहिए तो मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूंगी एंड आई विल रीराइट इट एज ए माइनस बी। दोबारा देख लो इसको, टेन टू बी की वैल्यू मुझे शो करनी है, बट जो मुझे वैल्यूज गिवन है वो ए प्लस बी और ए माइनस बी की गिवन है। तो मैंने क्या किया, टू बी को पहले लिख लिया बी प्लस बी, फिर इसमें प्लस ए किया माइनस ए किया, तो देयर इज नो चेंज इन द वैल्यू, एंड देन आई हैव री रिटन देम इन द